सबसे पहले मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। बागी लोगों ने इतनी पसंद किया, बागी डू के लोग बहुत रुक रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे बागी डू के बारे में, क्या क्या बोलना क्या चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा नहीं रुकना पड़ेगा, आई थिंक वी शुड स्टार्ट समवेयर नेक्स्ट ईयर। वी आर वेरी एक्साइटेड, वॉन्ट टू गिव बैक एज मच लव एज वी गॉट फॉर बागी टू द पीपल, सो क्रॉसिंग माई फिंगर्स। ओके, बागी विल बी अ डायरेक्ट सीक्वल या स्टोरी अलग हो सकती है, और किससे कैरेक्टर? जैसे ही ये पार्टी खत्म होगी ना, आराम से सोचेंगे। कैरेक्टर्स वही होने वाले हैं, टाइगर श्रद्धा हो? आई स्वेयर टू गॉड दैट आई हैव नो आइडिया, इट्स जस्ट एन आइडिया राइट नाउ दैट वी शुड डू बागी टू। Like Baagi, it should happen very organically. It shouldn't just be just because there is a successful film that you need to make part 2. So let's get a real, really nice story and give the audience back an intelligent, smart action film. But sir, ऐसे reports आ रहे हैं कि शंघाई में हाँ, Chinese government is very happy with them. That's right. Whoever saw it from the Chinese officials, very excited to see a boy like Tiger Shroff. आई थिंक दे आर वेरी बिग ऑन मार्शल आर्ट्स, उनको लगता है ये एक आइकॉनिक हीरो बन सकता है, दे वॉन्ट अस टू कम एंड शूट, दे हैव इनवाइटेड साजिद सर एंड द कंपनी टू कम देयर एंड शूट, सो आई थिंक इट विल बी एक्साइटिंग। आई डोंट नो सर, व्हाट इफ अगर जैकी चैन भी अगर आ जाए और ज्वाइन हो जाए, मतलब ऐसा हो सकता है? आपने बोल दिया हो सकता है, कुछ भी सोच लो, अगर सिल्वेस्टर स्टालोन मेरी पहली फिल्म में हो सकता है तो जैकी चैन भी हो सकता है। थैंक यू। फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।